हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 4 का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिसमें हम कंपैरेटर के टाइप्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है वो देखा था। टाइप्स ऑफ कंपैरेटर, उसमें सबसे पहला टाइप है जीरो रेफरेंस और जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर। दूसरा है नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर। जीरो रेफरेंस कंपैरेटर की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, जिसमें जो एक टर्मिनल होता है वो ग्राउंडेड होता है और दूसरे टर्मिनल से हम इनपुट देते हैं। नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर में जो ग्राउंडेड टर्मिनल होता है उसमें एक वी रेफरेंस लगाया होता है और दूसरे टर्मिनल को हम इनपुट देते हैं। ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल को हम इनपुट दे सकते हैं और कोई अदर टर्मिनल रेफरेंस में रख सकते हैं, यानी कि ग्राउंडेड रख सकते हैं। सबसे पहला देखेंगे हम जीरो रेफरेंस और जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर। यहाँ पे कोई भी फीडबैक रजिस्टर यूज नहीं होता, यानी कि ये ओपन लूप सर्किट है। हमने कंपैरेटर में ही देखा था कि ये एक ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें फीडबैक लगाया नहीं होता है, यानी कि इसका गेन होता है 10^5 और ये है ओपन लूप सर्किट। व्हेन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ग्राउंडेड एंड इनपुट इज अबव ग्राउंड लेवल, यानी कि अबव 0 वोल्ट, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। पॉजिटिव इनपुट प्रोड्यूस पॉजिटिव सैचुरेशन एंड नेगेटिव इनपुट प्रोड्यूसेस नेगेटिव सैचुरेशन। ये आपको कंपैरेटर का वीडियो जब आप देखोगे या फिर जिन्होंने कंपैरेटर का वीडियो देखा है उनको ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है अबाउट कंपैरेटर। जब भी कंपैरेटर में वी इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तब हमें आउटपुट में प्लस वी सैचुरेशन मिलता है, और वी इनपुट लेस देन 0 होता है तब माइनस वी सैचुरेशन, और अगर दोनों इनपुट्स इक्वल हुए तो हमें 0 मिलता है। जीरो रेफरेंस जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर के डायग्राम कुछ इस तरह से है, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने इनपुट दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इस तरह से आती है कि अगर वी इनपुट ग्रेटर देन 0 है तो हमें वी आउटपुट जो है वो प्लस वी सेट मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव को इनपुट लगाया है। और अगर वी इनपुट लेस देन 0 होगा तो आउटपुट में हमें माइनस वी सैचुरेशन मिलता है। वी इनपुट इज इक्वल टू 0 होता है तब हमें आउटपुट में 0 मिलता है। अगर हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दे दिया और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड कर दिया तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे? जब भी वी इनपुट ग्रेटर देन 0 होगा तो वी आउटपुट अब माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा, क्योंकि हमने जो इनपुट है वो माइनस साइड को दिया है। आपको ये याद रखना है, जिस भी टर्मिनल को हम इनपुट दे रहे हैं वही हमें ग्रेटर देन 0 में आउटपुट मिलता है। जब हमने प्लस को दिया था तो हमें ग्रेटर देन 0 इनपुट के लिए प्लस वी सैचुरेशन था, और अभी हमने माइनस को दिया है तो आउटपुट में हमें माइनस वी सैचुरेशन मिल रहा है। V input less than 0, V output is plus V saturation. आप दोनों में से एक कंडीशन यानी कि इन्वर्टिंग की कंडीशन याद रखो या नॉन इन्वर्टिंग की, दूसरी कंडीशन उसके अपोजिट होती है। V input is equal to 0, then V output is equal to 0. The value of input voltage at which the output switches state low to high or high to low, यानी कि vice versa, is called trip point or threshold point or reference point of comparator. तो ये डायग्राम देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये कंपैरेटर है वो एक तो हमें प्लस वी सैचुरेशन देता है या फिर माइनस वी सैचुरेशन देता है। तो जिस भी पॉइंट से
वो स्विच करता है, उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो वो है यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे उस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ट्रिप पॉइंट और थ्रीशोल्ड पॉइंट। तो इस पॉइंट से जो हमारा वोल्टेज है वो +V सेचुरेशन को या फिर -V सेचुरेशन को स्विच हो जाता है, इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इन दिस टाइप स्क्वायर वेव कैन बी ऑब्टेन एट आउटपुट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर। यानी कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं इसमें वो साइन वेव होता है, बट हमें आउटपुट में स्क्वायर वेव मिलती है, इसीलिए इसे साइन टू स्क्वायर वेव कहते हैं। इस वेव फॉर्म में देखो, ये है हमारी साइन वेव जो हमने इनपुट में दी है। तो अब यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो है, यानी कि अभी हमने देखा था जो ट्रिप पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो जीरो होता है। तो जैसे ही जीरो पे आती है वेव, तो वो वी -V सेचुरेशन को या फिर +V सेचुरेशन को चली जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से वो -V सेचुरेशन को आ गई, और फिर से जब वेव यहाँ पे आ जाएंगी इस पॉइंट पे, ये जीरो पे, तो फिर से वो एकदम से ट्रिप हो जाएंगी या फिर अप जाएंगी, +V को जाएंगी या फिर -V को जाएंगी, और फिर से इस पूरे वेव फॉर्म के टाइम वो ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेंगी। फिर से जब जीरो क्रॉस हो रहा है तो फिर से अपोजिट में चली जाएंगी। इस तरह से इसका ऑपरेशन होता है, इसीलिए इसे साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम सेकेंड टाइप जो है नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर, इसे लिमिट डिटेक्टर भी कहा जाता है। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, जिसमें हमने एक टर्मिनल को इनपुट दिया है और दूसरे टर्मिनल को वी रेफरेंस लगाया है जो कि ग्राउंडेड है। इन दिस टाइप ट्रिप पॉइंट इज इक्वल टू वी रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे जीरो नहीं होता है, वी रेफरेंस होता है। वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, जब भी इनपुट वी रेफरेंस से ज्यादा होता है तो हमें +V सैचुरेशन मिलता है, क्योंकि हमने इस इनपुट को प्लस को ज्वाइन किया है, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को लगाया है। जब वी इनपुट लेस देन वी रेफरेंस होता है, तब हमें आउटपुट में -V सैचुरेशन मिलता है, और जब वी इनपुट इज इक्वल टू वी रेफरेंस होता है, तब आउटपुट में जीरो मिलता है। सेम फर्स्ट था उसी तरह से है, बट यहाँ पे जीरो की जगह रेफरेंस होता है। अब हमने अगर उल्टा कर दिया, यानी कि इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे दिया और रेफरेंस पॉइंट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे दिया, तब क्या होगा? तो वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस होगा, तो वी आउटपुट जो है वो -V सैचुरेशन होगा, जो कि अभी मैंने बताया था। जिसको हम इनपुट देते हैं वो हमें सैचुरेशन में मिलेगा, यानी कि जब भी ग्रेटर देन होगा तो हमें वो साइन दिखेंगी सैचुरेशन के सामने, इसीलिए वी इनपुट ग्रेटर देन वी रेफरेंस है, तब आउटपुट में -V सैचुरेशन है। वी इनपुट लेस देन वी रेफरेंस होता है, तब आउटपुट में +V सैचुरेशन होता है, और वी इनपुट इज इक्वल टू वी रेफरेंस होता है, तब हमें आउटपुट में जीरो मिलता है। अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे कंपैरेटर के, तो इसे साइन टू स्क्वायर वेव कहा जाता है जो अभी हमने देखा था। इसे मोनोस्टेबल, बाईस्टेबल, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह भी यूज किया जाता है, वो हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि ये किस तरह से यूज होते हैं, और इसे स्मिथ ट्रिगर की तरह भी यूज किया जाता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।